हेलो गाइस, मैं प्रियला का प्रियलम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप नए आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को प्रियलम रीजनिंग को, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। तो अगर आप लोगों अभी तक, कल मैंने आपको ये बात समझाई थी कि पढ़ाई, जागो, उठो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर अभी भी आप जागे नहीं हो तो आज भी जाग सकते हैं। ये टारगेट का वीडियो मैं आपके सामने रेगुलर लेके आती हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए 24/7 आवर्स, जब बोलोगे तब लाइव आके बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप लोग के लिए टारगेट का वीडियो मैं डालती हूँ रेगुलरली सुबह 10 से 10:30 के बीच के अंदर, जिससे कि आप लोग देखें और इस पे लग जाए, बस कुछ सोचना नहीं है। तो आज का टारगेट है आपके पास, सबसे पहले आपको टेबल्स याद करनी है 25 तक, 21 से लेकर 25 तक की टेबल्स को आपको लिखना है कम से कम दिन में 5 बार, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, स्क्वायर्स के आज हम आगे बढ़ाएंगे 41 से लेकर 45 तक का स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, 41 से लेकर 45 तक का। आई थिंक आपको 40 तक का स्क्वायर्स याद हो चुका होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बार याद करने को बोल चुकी हूँ और आज बारी आपके 41 से 45 तक स्क्वायर्स याद करने की। क्यूब्स याद करना है आपको कहां से कहां तक, 20 तक, 20 से ऊपर क्यूब्स याद करने ज्यादा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे ऊपर इतना टिपिकल आता नहीं है। 20 तक आपको क्यूब्स याद करने हैं और लिखना है कम से कम 5 बार। तो ये हो गया आपकी वार्म अप एक्सरसाइज। अब बात करते हैं मैथ्स की। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि ऐसा ही करो, ठीक है, ऐसा ही आपने किया होगा। आज क्या है, आपको एसआई और सीआई से जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको करना है। सीआई एसआई को मिला के जो भी कितने भी क्वेश्चन, जितनी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं वो आपको आज प्रॉपरली फिनिश करने हैं, ठीक है। अगला है आपके पास रीजनिंग का। रीजनिंग में आज आप क्लॉक करेंगे, क्या करेंगे, क्लॉक। क्लॉक को पूरा नहीं करोगे आज, क्लॉक में मिरर इमेज करोगे, एंगल फाइंड आउट करना सीखोगे। बस दो काम करोगे क्लॉक में, एक तो मिरर इमेज निकालना और एंगल निकालना। अगर टाइम दे रखा हो तो एंगल आप अलग अलग वैरायटी के सवाल करवाएंगे। अगर आप नहीं देखिए मेरी क्लास देखिए क्लॉक में, मैंने आपको अलग अलग वैरायटी से एंगल निकालना सिखाया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे निकालना है आपको, ऐसा आएगा तो ऐसा निकालेगा, तो वो वाले आपको एंगल निकालना सीखने हैं, ठीक है। उसके बाद आज शाम को 8 बजे हम लोग आएंगे, प्रैक्टिस सेट करने वाले एनटीपीसी का, तो उसमें आप लोग जरूर आएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी का, ओके। 75 क्वेश्चंस के अराउंड आज हम करेंगे, तो आप लोग उस सीरीज में जरूर जुड़िएगा। तो ये था आपका आज टारगेट। अगर आप टारगेट पूरा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने जरूर आइएगा कि हमने टारगेट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है पॉजिटिवली, झूठ कोई बोलेगा नहीं, ओके। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, मेरे नहीं, क्लियर हो गया। तो सभी लोग आइएगा, जितने बच्चे आज नए जुड़े, आज पहली बार हमसे जुड़े, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ये टारगेट का वीडियो आप लोगों के लिए, आपके करने के लिए, तो आप लोग करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे कि हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। और सब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही रहेंगे, ठीक है। घर से बाहर ना जाइए, घर में ही रहे, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए बाहर जाना, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय।